तो हमारे मोबाइल में जो यहाँ पे पावर बटन मिलता है और साथ में वॉल्यूम अप और डाउन बटन देखने मिलता है, इसको हमेशा हम क्या करते हैं, सिंपली यूज करने के लिए वॉल्यूम अप और डाउन के लिए यूज करते हैं और पावर बटन को प्रेस करके हम अपने मोबाइल को यहाँ पे स्विच ऑफ करते हैं या रिबूट करते हैं। पर ये जो आपको बटन मिलता है, इस बटन में आप कुछ ऐसे एडवांस फीचर को यूज कर सकते हैं जिससे एक शॉर्टकट तरीका आप अपने मोबाइल को ओपन करने में यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सा यहाँ पे फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं और कौन सा खुफिया यहाँ पे सेटिंग मिलता है वो मैं आपको इस में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो जैसे आप यहां पे पावर बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको कोई भी ऑफ का ऑप्शन, रिबूट का ऑप्शन शो नहीं होता है। यहाँ पे आप प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे गूगल असिस्टेंट इनेबल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को आप इस प्रकार से प्रेस कीजिएगा तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में पावर बटन और वॉल्यूम जो अप बटन है उसको प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर सकते हैं। रिबूट करना है तो आप यहाँ पे रिबूट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपका मोबाइल यहाँ पे लॉक किया हुआ है और पावर बटन को अगर आप दो बार प्रेस कीजिएगा तो प्रेस करने के बाद जैसे आप दो बार प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं ये फ्लश लाइट दोस्तों यहां पे इनेबल हो जाता है और दो बार जैसे प्रेस कीजिएगा तो फ्लश लाइट को आप यहां पे बंद कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको जो वॉल्यूम बटन देखने मिला है लॉक करने बाद, वॉल्यूम बटन को अगर दो बार प्रेस कीजिएगा तो आप यहां पे कैमरे को ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको काफी सारे यहां पे फीचर देखने मिलते हैं जिसको दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हैं। टैप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं यहां पे फोटो भी क्लिक हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये एडवांस फीचर कैसे आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा तो आपको देखना है कि लॉक स्क्रीन कहां पे शो हो रहा है, उस लॉक स्क्रीन पे टैप करना है और टैप करने के बाद सबसे पहले नीचे में आप यहां पे जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा लॉन्च कैमरा का। अब इसमें लिखा हुआ है डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन टू ओपन कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज लॉक। तो ये ऑप्शन अगर ऑफ किया हो तो इसको ऑन कर दीजिएगा तो जब आपका मोबाइल यहां पे लॉक किया रहेगा और डबल प्रेस कीजिएगा वॉल्यूम डाउन बटन को तो आप यहां पे कैमरा को ओपन कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में ऑटोमेटिक दोस्तों यहां पे कैमरा ओपन हो जाएगा तो इस फीचर को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहां पे बैक होइएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा, देन उसके बाद आपको नीचे में एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे जेस्चर शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आप यहां पे टैप करें और जैसे यहां पे टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद सबसे पहले तो आपको ऊपर में लॉन्च गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे टैप करना है और ये ऑप्शन अगर आपका यहां पे ऑफ किया रहेगा और पावर बटन को आप यहां पे प्रेस कीजिएगा तो यहां पे डायरेक्ट पावर ऑफ रिबूट का ऑप्शन आ जाता है। पर इस ऑप्शन को दोस्तों जैसे आप यहां पे ऑन कर दीजिएगा तो यहां पे आप पावर बटन को जैसे यहां पे प्रेस करके रखिएगा तो यहां पे गूगल असिस्टेंट इनेबल होगा और पावर ऑफ और रिबूट का ऑप्शन यहां पे शो नहीं होगा। तो इस प्रकार से सेटिंग को आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे और भी ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, यहां पे लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है और इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहां पे मिलेगा जिसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक ऑप्शन मिलता है डबल प्रेस द पावर बटन लॉन्च कैमरा, अगर पावर बटन को आप डबल प्रेस कीजिएगा तो आप यहां पे कैमरा को ओपन कर सकते हैं या आप यहां पे डबल प्रेस टू वॉल्यूम डाउन बटन को अगर प्रेस कीजिएगा स्क्रीन लॉक में तो यहां पे आप दोस्तों कैमरे को ओपन कर सकते हैं। तो ये दोनों सेटिंग में से कोई भी सेटिंग को आप यहां पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से टर्न ऑन टॉर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे अगर पावर बटन को दो बार प्रेस कीजिएगा तो आप यहां पे अपने मोबाइल का जो टॉर्च है उस टॉर्च को दोस्तों आप यहां पे इनेबल कर सकते हैं। साथ में बैक टैप का भी ऑप्शन देखने मिलता है तो आप चाहे तो यहां पे बैक टैप करके यहां पे डबल टैप करके आप यहां पे कैमरा का ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। कैलकुलेटर ऑन करना है, कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं। साथ में काफी सारे ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे लिखा हुआ है डबल टैप टू लॉन्च कैमरा अगर मैंने सेट किया हुआ है और अगर मैं यहां से बैक होता हूं और बैक में दो बार टैप करता हूं, एक दो बार दोस्तों जैसे टैप करूंगा तो देख सकते हैं यहां पे कैमरा ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन अप बटन का जो ऑप्शन मिल रहा है इसको एडवांस की तरह दोस्तों आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।